नमस्कार, आप देख रहे हैं फिलोसॉफिकल वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज राठौर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को नाचने का शौक तो जरूर होगा, और हो भी क्यों ना, आखिर हम मनुष्य प्राणी हैं, नाच गाकर ही तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन क्या नाचना लोगों की मौत और पागलपन की वजह बन सकता है? आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही अद्भुत और विचित्र घटना के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1518, जगह फ्रांस का स्टॉपबर्ग शहर में, एक दिन एक औरत फ्राउ ट्रॉफी अपने घर से नाचते हुए बाहर की तरफ आ गई। हालांकि संगीत की कोई धुन आसपास नहीं बज रही थी, लेकिन फ्राउ ट्रॉफी अपनी ही धुन में मगन नाचती रही। नाचने में वह इतना खो गई कि नाचते नाचते वो सड़क पर आ गई। उसे देखने वालों का हुजूम उमड़ने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाचती रही। फ्राउ के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और इसी तरह फ्राउ नाचते नाचते सड़क के हर किनारे को छू रही थी, और लोग उसे देखकर डरकर पीछे हो रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही गम, बस वे बिना वजह किसी हाव भाव के नाच ही जा रही थी। घंटों बीत गए पर उसका नाचना बंद नहीं हुआ। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। फ्राउ ट्रॉफी के पड़ोसी और परिवार के लोग धीरे धीरे इस नाच में शामिल हो गए, और देखते ही देखते सड़क पर करीब 30 से ज़्यादा लोग नाचने लगे, वो भी बिना किसी संगीत की धुन पर। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उनमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। सुबह से रात होने को आई, पर उन लोगों का नाचना बंद नहीं हुआ। उनमें से किसी ने भी ना पानी पिया और ना ही खाना खाया। इस तरह वो लोग दिन भर नाचते रहे। रात गुजरी और फिर अगले दिन कुछ लोग थकान के कारण जमीन पर आ गिरे। उनके साथियों ने तब भी रुकना जरूरी नहीं समझा। गिरते हुए लोगों ने हांफते हुए दम तोड़ दिया, तो कुछ लोगों ने स्ट्रोक से, और इस तरह एक एक करके करीब 15 लोगों की मौत हो गई। ये मौत का तमाशा बस यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। देश के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल इसी तरह की घटनाएं घटित होने की खबरें भी आई, जिसने लगभग 400 लोगों की जान ले ली। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया है, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसे भूत प्रेत और तंत्र विद्या से भी जोड़कर देखा है। तो कई लोगों ने इसे महामारी बताया या कोई मानसिक रोग बताया। वहाँ की सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए फ्राउ ट्रॉफी के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक फ्राउ ट्रॉफी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आपका कोई सवाल, टीका टिप्पणी या कोई सुझाव हो तो हमें इस इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो जरूर करिएगा, या हमें अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। चलता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे एक ऐसे ही नए एपिसोड के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ।